भट्टू नरेश की जय, शीष के दानी की जय। ये यहाँ का एंट्रेंस है मेन, यहाँ से एंट्री होती है। बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ आई क्योंकि आज एकादशी भी है ना, इस चक्कर में बहुत भीड़ है। मतलब सुबह तो इतनी भीड़ थी कुछ कहने की नहीं, अभी तो बहुत कम हो गई है। धूप बहुत तेज हो रही है, 4 बजे के आसपास हम लोग निकले हैं अभी नहा के, मस्त आराम से सो के। बहुत भीड़ है यहाँ तो, अभी फिर भी हमें कम दिख रही थी पीछे, लेकिन अभी आगे देखो कितनी भीड़ है। हम लोग सुबह आए थे तो और ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ एक चीज़ और है, राधे राधे, कि अपने स्लीपर शूज़ वगैरह अपने होटल या जहाँ भी आपने गेस्ट हाउस वगैरह जो भी लिया उसमें रख के आए, ऐसे हम भी नंगे पैर आए हैं क्योंकि यहाँ पे कोई जगह नहीं है रखने की, बस जो दुकानें हैं वहीं पे उनके नीचे ही रख दे रहे हैं सब। उसके बाद क्या होगा कुछ पता नहीं है, भीड़ धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। अनिल भाई आए, दर्शन करने आए, अरे पकड़ी लेते हैं। ये एग्जिट पॉइंट है यहाँ का, और ये लेफ्ट साइड पे है एंट्री। जय लाल। हम लोग ले रहे हैं अभी रोज, ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ सारे निशान लेकर जा रहे हैं, बट अब चढ़ते नहीं है तो बाहर ही वो लोग रख लेते हैं, बाहर ही रख लेंगे, इसलिए हमने भी लिया नहीं है। और बाकी जो प्रसाद वगैरह वो आगे से लेंगे। यहाँ आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, ये जहाँ से स्टार्ट है वहाँ से लेके पूरे मंदिर तक है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, बालाजी की जय जयकार, चंद्र की जय जयकार, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, चांद रहेगा फल भट्टू नरेश की जय, शीष के दानी की जय, जय बोलने वाले की जय, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। थोड़ा थोड़ा वृंदावन की गलियों जैसा फील है यहाँ पे भी, पतली पतली गलियां एकदम, देखो ऐसे पड़ी हुई हैं यहाँ चप्पलें, किसकी मिलेगी किसकी नहीं कुछ नहीं पता। कहीं आज के लिए तो चेंज नहीं करती, हम लोगों ने अभी निशान ले लिया है, कहीं छांव है तो कहीं धूप है, अच्छा है, मिट्टी है और कहीं जहाँ धूप है वहाँ गर्म है मिट्टी। बस पहुँच
पहुंचने ही वाले हैं, कुछ दूर और है। जहाँ से लाइन स्टार्ट होती है, हाँ यहीं से, यहीं पर निशान वगैरह लग जाते हैं। भीड़ भी है अच्छी खासी। अरे यहीं से आएगा ना माता। बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई यहाँ पे। निशान स्थल है ना यहीं पे, इस ये सारे जितने भी झंड ध्वज हैं सब चढ़ाए जाते हैं। हम भी इसी भीड़ में लग गए हैं। क्या हो गया, पागल वागल है क्या, नशे में है कि? ले लो जबरदस्ती का एकदम। जय श्री श्याम। धीरे धीरे हम लोग लाइन में आ गए। बहुत भीड़ है। अब कुछ ऐसा हो गया है यहाँ पे, मस्त लाइन लगाते आराम से चलते जाओ। शेड लग गया है ऊपर पूरा, ना धूप है ना कुछ। जय श्री श्याम। पंखा देखो कितना बड़ा है, हवा कितनी सही दे रहा है ना। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। मंदिर में एंटर होने वाले हैं, देखते हैं जहाँ तक फोन अलाउ है आप लोगों को दर्शन करवाते रहेंगे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आखिर बाबा ने बुला ही लिया भाई। आखिर बाबा ने बुला ही लिया। अरे बड़ा भाई। जय। भाई पुलिस स्टेशन पे जा तो। पांच घंटे की लाइन और दर्शन कितनी देर के? 3 सेकंड के। 2 सेकंड का धक्का, चला गए। भाई दर्शन हो गए बहुत प्यारे। अब हम जा रहे हैं यहाँ से श्याम कुंड। दर्शन मतलब VIP हुए, जितनी मेहनत करी है सफल हो गई। तो ये है यहाँ का प्राचीन मंदिर श्री सीताराम जी, और यहीं से लेफ्ट साइड पे श्याम कुंड के लिए जो रास्ता जा रहा है। पहुँच गए हम प्राचीन श्याम कुंड, जरा सामने भीड़ ज़्यादा है, हम लोग रास्ता भटक गए थे।
बहुत आगे चले गए थे फिर वापस आए। ये है श्याम कुंड। सीधा तो कुछ मिल ही नहीं रहा। चलो अंदर चलते हैं, थोड़ा दिखाऊंगी, भीड़ बहुत ज्यादा है, फोन ऑन रखना पड़ेगा। हनुमान मंदिर नीचे है, कुंड नीचे। बहुत ज्यादा भीड़ है। जैसे जैसे शाम बढ़ती जा रही है, भीड़ और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जब हम लोग मॉर्निंग में आए थे तो बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए हम लोगों ने जो धर्मशाला वगैरह ली, हम जाके सो गए उसमें, क्योंकि हम लोग रात के बहुत थके हुए थे। हमने पहले सोचा नींद पूरी करते हैं, उसके बाद दर्शन करेंगे। हमें मस्त धर्मशाला भी अच्छी मिल गई, सस्ती, तो हमने नींद पूरी करी, नहाए धोए, उसके बाद दर्शन के लिए निकले। थोड़ी धूप में ही निकले थे, लेकिन अभी धूप ठीक है, इतनी शुभ नहीं थी। अब मंदिर के दर्शन कर लो, एक बार और मंदिर के दर्शन कर लो। जय श्री श्याम। हर गलियों में भीड़ है, हर गलियों में, पूरा वृंदावन वाला फील आ रहा है यहाँ पे। कुंज गलियों से होके निकलना पड़ता है दर्शन के लिए। और भीड़ हो गई है, हम लोग घर के लिए निकल गए। अभी फिलहाल तो हम रिंगस जा रहे हैं।